साथियों, बच्चों के स्वाभाविक विकास के लिए मनोरंजन के साथ साथ उनके सीखने और उनकी क्रिएटिविटी को भी स्पेस मिलना चाहिए। साइंस सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो रिक्रिएशन और क्रिएटिविटी को आपस में जोड़ता है। इसमें ऐसी रिक्रिएशन एक्टिविटीज हैं जो बच्चों में क्रिएटिविटी को बढ़ावा देती है। इसमें खेलकूद है, मौज मस्ती है और इसके साथ साथ ये बच्चों को कुछ नया सिखाने का प्लेटफॉर्म भी है। हमने देखा है बच्चे अक्सर माँ बाप से रोबोट्स और जानवरों के बड़े खिलौनों की डिमांड करते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं घर में डायनासोर ले आओ, कोई शेर पालने की जिद करने लगता है। अब माता पिता ये सब कहां से लाएंगे? बच्चों को ये विकल्प मिलता है साइंस सिटी में। जो ये नया नेचर पार्क बना है, ये विशेष रूप से मेरे नन्हे साथियों को बहुत पसंद आने वाला है। इतना ही नहीं, साइंस सिटी में बनी एक्वेटिक्स गैलरी वो तो और भी आनंदित करने वाली है। ये देश के ही नहीं बल्कि एशिया के टॉप एक्वेरियम में से एक है। एक ही जगह पर दुनिया भर की समुद्रिक जैव विविधता के दर्शन अपने आप में अद्भुत अनुभव देने वाले हैं। वहीं रोबोटिक्स गैलरी में रोबोट के साथ बातचीत का आकर्षण का केंद्र तो ही है ही, साथ ही ये रोबोटिक्स के क्षेत्र में काम करने के लिए हमारे युवाओं को प्रेरित भी करेगा, बाल मन में जिज्ञासा जगाएगा। मेडिसिन, खेती, स्पेस, डिफेंस ऐसे अनेक क्षेत्रों में रोबोट्स कैसे काम आ सकते हैं, इसका अनुभव यहां हमारे युवा साथी ले पाएंगे। और हां, रोबो कैफे में रोबोटिक शेफ का बनाया और रोबोट वेटर्स का परोसा खाना खाने का आनंद शायद ही वहां आया हुआ कोई व्यक्ति वहां गए बिना रहेगा। कल जब सोशल मीडिया पर मैंने इनकी तस्वीरें पोस्ट की तो ऐसी टिप्पणियां भी पढ़ने को मिली कि ऐसी तस्वीरें तो हम विदेशों में ही देखते थे। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये तस्वीरें भारत की हैं, गुजरात की हैं। आज इस कार्यक्रम में मेरा आग्रह है कि साइंस सिटी में ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए, विद्यार्थी आए, स्कूलों के रेगुलर टूर्स हो। साइंस सिटी बच्चों से चहकता रहे, दमकता रहे तो इसकी सार्थकता और भव्यता और बढ़ेगी।